हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम क्लास नंबर 11 देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपने पिछले वीडियो को ठीक से प्रैक्टिस कर लिए होंगे और आपने क्लास 10 को भी ठीक से देख लिए होंगे और कैरेक्टर को बनाना सीख लिए होंगे और आप सिंबल को भी बनाना सीख लिए होंगे। आशा करता हूँ अगर आपने नहीं सीखे या आपने क्लास 10 को नहीं प्रैक्टिस किया तो प्लीज़ आप पहले क्लास 10 को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उस क्लास 10 पे सिंबल कैसे कन्वर्ट करें, कैसे डिज़ाइन करें, कैसे कार्टून को बनाए, ये सब में सिखाया गया था। तो प्लीज़ आप पहले क्लास 10 को देखें। आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि कैसे आई ब्लिंक होंगे, एनिमेशन यानी कैरेक्टर के अंदर कैसे आई ब्लिंक होंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सारे लेयर को लॉक कर देंगे और डिवाइस को छोड़ के फेस को। अब हमें फेस के अंदर जाना है। फेस के अंदर जाने के बाद आप देख पाओगे अभी जो यह सारे ऑलरेडी कोई सिंबल नहीं है। हम फेस के अंदर आते हैं, फेस के अंदर और एक बार समझाता हूँ। ये हो गया स्टेज, स्टेज सीन्स वन है। अब हम इसके अंदर दो बार क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन दबा के। दो बार क्लिक करने के बाद अब अभी देख रहे होंगे जो ये पलके जो है ये आई ब्लिंक नहीं है। तो हम इसको थोड़ा माउस से जूम करेंगे कंट्रोल दबा के। अब हम शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे 1 2 3 4, यानी टोटल 4 रेक्टेंगल है। इस पर भी शिफ्ट दबा के रखना, छोड़ना नहीं है। अब इस पर 5 6 7 8, अब हमने 8 को कॉपी कर लिया, क्लिक कर दिया। अब हमें इसे F8 प्रेस करना है, F8 यानी सिंबल करने के लिए। कीबोर्ड से F8 प्रेस किया, प्रेस करने के बाद हम यहां लिख दिए आई ब्लिंक। जब हम इसे आई ब्लिंक लिख देंगे अब हमें ओके करना है। ग्राफिक रहने दीजिए, रजिस्ट्रेशन पॉइंट को यह बीच पे रहने दीजिए। अब हमें ओके कर देना है। जब हम इसे ओके कर देंगे तो अब हमें सबसे पहले इसको कॉपी करना होगा, कॉपी नहीं ये करना होगा, कट करना होगा। तो कंट्रोल एक्स दबाना है, यहाँ कंट्रोल एक्स दबाने के बाद नया लेयर लेना है। भाई ध्यान से सोचना सुनना, क्योंकि इसी जगह में अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो आपका ठीक से नहीं बनेंगे। ये आपको एक नया लेयर लेना है, इस पर क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी एक साथ दबाना है, आपको उसी जगह आपको पेस्ट हो जाएंगे। अगर आप कंट्रोल भी दबाओगे तो ये दूसरी जगह पेस्ट होंगे, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आपको कंट्रोल शिफ्ट भी करना है। अब आपको इस पे आ जाना है। जब आप इस पे आ जाओगे तो आप देख पाओगे जो अभी इस पे क्लिक नहीं है, क्योंकि हमने इसको हटा दिया, यानी हम दूसरे लेयर पे आ गए। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गए। अब हमें इसको ऐसे क्लिक करना है, यहाँ इस पॉइंट को, इस पॉइंट को क्लिक करने के बाद हमें F8 प्रेस करना है और लिख देना है ये है फेस। तो फेस वन कर देते हैं, क्योंकि फेस हमने अंदर भी किया था तो दो सिंबल एक नहीं, एक मतलब क्लिक नहीं होंगे, क्योंकि वो बता देता है आपने ऑलरेडी फेस का सिंबल कर रखा है। तो हमें फेस वन कर देना है, या फेस अदर कर सकते हो, फेस वॉल कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, माइंड में होना चाहिए। तो मैंने फेस वन क्लिक किया। ग्राफिक रहने दीजिए और रजिस्ट्रेशन पॉइंट को यही रहने दीजिए बीच में। इसके बाद आप ओके कर दीजिए। जब आपका ओके हो जाए तो आप देख पाओगे जो अभी आपका ये सिंबल हो चुका है, क्योंकि ये ग्रीन बटन है और यह ग्राफिक में सिंबल हो चुका है, यह ग्राफिक आ रहा है अभी। अब दोनों में ही अब देखिए इस ऑब्जेक्ट पे, इस पे भी ग्राफिक हो चुका है। अब हमें इसका नाम चेंज कर देना है, इसका नाम लिख देना है फेस वन, क्योंकि हम समझ जाएंगे जो फेस वन यानी इसके अंदर का काम है। अब हम इसका नाम लिख देंगे आई ब्लिंक, UYBLINK, एंटर दबा दिया। अब इससे हम लॉक कर देते हैं, क्योंकि हमें फेस का कोई जरूरत नहीं है।
अब हमें आई ब्लिंक का जरूरत है, तो आई ब्लिंक को आप अनलॉक रखिएगा, लॉक मत कीजिए, सिर्फ फेस को लॉक कर दीजिए, क्योंकि हम बिगिनर है इसलिए हम बेसिक चीज सीख रहे हैं। अब हमें दो बार क्लिक करना है, जब हम दो बार क्लिक करेंगे आपको एक फाका जगह में यहां क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां शिफ्ट, एक बार शिफ्ट दबा के रखना है और इस पर एक बार क्लिक करना है। एक बार व्हाइट पार्ट को, मैं बार बार बता रहा हूं, व्हाइट पार्ट को आपको क्लिक करना है। आपको व्हाइट पार्ट को क्लिक करना है, व्हाइट पार्ट को शिफ्ट दबाना है, व्हाइट पार्ट क्लिक करना है, शिफ्ट दबाना है। अब इस व्हाइट पार्ट को फिर क्लिक करना है। अब आपको कंट्रोल सी करना है, ध्यान से सुनना, यह कंट्रोल एक्स नहीं करना, यह कंट्रोल सी करना है, सिर्फ कंट्रोल सी। अगर कंट्रोल एक्स करोगे तो भाई ठीक से नहीं होंगे, आपको कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद आपको और एक लेयर लेना है और यह कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट भी। अब हम इसको, ये जो है ये है पलके, यानी जो पलक था, क्या कहते हैं उसको पता नहीं, जो आंखें को जो ऊपर का ये है पलक है, उसको जब मतलब झपकाता है तो ये है। तो इसके कलर हम कौन सा लो, अब हम इसको कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए मैं आपको और बता देता हूँ एक बार, अगर आपको दोनों में क्लिक है, दोनों में क्लिक भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक जगह में क्लिक कर दिया, इसको पहले क्लिक किया, अब ये व्हाइट आ गया क्योंकि स्टेज का कलर व्हाइट है, फिल का कलर। अब हम कौन सा इसका इस्तेमाल करूं जो पर्दे के लिए बढ़िया लगे, ये ठीक है, यही ठीक है, ये बढ़िया है। अब हम इसको ले लिया, अब आप सोचोगे यह तो हमने इसको ले लिया, अब इसको कैसे करें, क्योंकि मैंने पहले शायद क्लास नंबर 6 या 7 को बताया हूँ आईज ब्लिंक कैसे करना है। अब इस पर भी और एक बार बता देता हूँ, अब एक बार आई प्रेस करना है, आई को प्रेस करना है कीबोर्ड से, आई को जब एक बार प्रेस किया, इसके बाद माउस के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक करना है और यह आके आपको एक बार पेस्ट कर देना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको भी प्रेस कर देना है सिलेक्शन टूल को, अब आपको इसका नाम लिख देना है, इसका नाम क्या लिखू, ये था व्हाइट पार्ट, तो व्हाइट पार्ट हम लिख देते हैं। अब ये था नीचे का जो था, ये था पता नहीं उसके अंदर जो आंखों के अंदर जो होता है क्या कहते हैं पता नहीं, हम आई बॉल लिख देते हैं, आई बॉल। अब हम इंटर कर दिए, ये हो गया आई बॉल, ये हो गया। अब क्योंकि ये नीचे लेयर है इसीलिए आपको आंखें ठीक से देख नहीं रहे हो, क्योंकि जब हम इसको लेयर मैनेजमेंट होता है पहले भी बताया, देख लो आप ये आंखें आ गया, हम इसको नीचे कर दिया क्योंकि ये नीचे होना चाहिए। इसके बाद हमें और एक लेयर लेना है, जब हम और एक लेयर लेते हैं, लेयर के नाम लिख देते हैं मार्क्स, हम इंटर दबाते हैं, अब इस पर क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल को लेते हैं और यहाँ से ऐसे करके यह ले लेते हैं, अब भी प्रेस करते हैं। इसके बाद हमें इसको क्लिक करना है, F8 प्रेस करना है और मास्किंग लिख देते हैं, इंटर दबाते हैं। जब हमने इंटर दबा दिया, अब आप देख रहे हो, अब हमें क्यू प्रेस करना है, क्यू प्रेस करने के बाद हमें इसको ऊपर कर देना है, भी प्रेस करना है, अब हमें एक बार यह क्लिक करना है, F5 क्लिक करना है, F5 क्लिक करना है, इसके बाद F6 करना है यह, क्योंकि हमें की फ्रेम लेना है, की फ्रेम के लिए F6 क्लिक करना है, F6 के बाद हमें फिर से क्यू प्रेस करना है। जब हम क्यू प्रेस करेंगे तो आप देखे होंगे, आप ये इधर आ गया, यानी ये बीच में हो गया। अब इस पर क्लिक करते हैं, ये भी यहाँ आ गए, अब ये दोनों छोड़ दिया, हमने इसको ऊपर कर दिया था और इसको हमने यहाँ कर दिया था। अब अगर इस हिसाब से होंगे तो कभी आपका लिप्स, इसका आई ब्लिंक प्रॉपर नहीं होंगे, कभी भी ठीक से होगा ही नहीं, और बहुत सारा लोग यही गलती कर देता है और बाद में कहता है सर हमने तो सीखा नहीं, हमें तो ठीक से मालूम ही नहीं पड़ा। भाई ध्यान से देखो,
मैंने इसीलिए इसको क्लास को बनाया क्योंकि जब भी हम F6 करेंगे तो ये इस हिसाब से आ गए, यानी ये ठीक से हुआ ही नहीं और ये कभी आई ब्लिंक होंगे ही नहीं ठीक से, क्योंकि आपको हर चीज में ये डॉट बटन को हर जगह इसको ठीक से आपको ऊपर करना है, नहीं तो आपका आंखें ये ठीक से होगा ही नहीं। मान लीजिए जैसे इसको हमने एक दिखा भी देता हूं आपको, क्लिक कर दिया, अब हम इसको F5 प्रेस, इसको F15 फ्रेम पे इसको हम नीचे कर देते हैं, देख लिया आपने ये बड़ा हो गया। इस पर फिर क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं, ये नीचे आ गया। अब इसको आए ये बड़ा हो गए, अब हम इसको क्लासिक ट्विन भी लगा देते हैं, देख लेते हैं क्लासिक ट्विन लगा के। अब देखिए अब इसका किस हिसाब से होता है, रिमूव क्लासिक ट्विन, अब देखो ये किस हिसाब से हो रहा है। अगर हम इसका आई ब्लिंक कर भी देंगे, यहाँ से हम मास्किंग कर देते हैं, देखो ये आई ब्लिंक हुआ नहीं, लगता है कहाँ पलके आया कहाँ नहीं आया। तो इसके लिए हमें पहले मास्किंग को हटा देते हैं भाई, सबसे पहले हमें इसको ये हटा देते हैं। अब हमें यहाँ से इसको डिलीट कर देना है क्योंकि हम दोबारा बनाएंगे। अब हमें एक नया लेयर लेना है, लेयर का नाम रख देंगे हम मास्किंग, एंटर दबाते हैं, क्लिक करना है रेक्टेंगल टूल से, हमें एक बार क्लिक करना होगा, ये लेना होगा, ऐसे करके हमें ले लेना है। अब भी प्रेस कर देना है, यहाँ तक ठीक है। अब हमें ये जो आप देख रहे हो ये सिंबल, हमें सिंबल पे दो बार क्लिक करना है, सिंबल को डिलीट कर देना है, सॉरी ऊपर का जो स्टॉक थे स्टॉक को हमें डिलीट कर देना है, सिंबल को नहीं स्टॉक को हमें डिलीट कर देना है, दो बार क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट बटन को क्लिक कर देना है। अब हम इसको F8 करते हैं, अब हमें मेन चीज़ यही है, हम इसका नाम मास्किंग रख देते हैं, ये डॉट रजिस्ट्रेशन पॉइंट सही है, ग्राफिक भी सही है। अब हम इसको ओके कर देते हैं, जब हम इसको ओके कर देंगे कीबोर्ड से आप क्यू भी प्रेस कर सकते हो या यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, तो हमें यही से प्रेस कर दिया। अब इसको हम ऊपर कर दिया, अब हम भी प्रेस करते हैं, भी प्रेस हो गया। अब हमें इस जगह को एक बार क्लिक करना है क्योंकि 30 फ्रेम तक हमें लेना है, तो हमें F5 क्लिक करना होगा। जब हम F5 क्लिक कर देंगे इसके बाद हमें 15 तक, क्योंकि आप पलके उठाना भी है बंद भी करना है, तो इसके बाद हम की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम लगाने के लिए हम पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अब आपको अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो को देखें, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएंगे। अब आप यह F6 कीबोर्ड से शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से F6 जब आप प्रेस किए, अब आपको क्यू प्रेस करना है। आप देख लिए होंगे जी आपका डॉट यही रह गया, अब आपको ऊपर नीचे नहीं आया। जब आप इसको ऐसे आप करोगे तो आपका ये ठीक से हो गया। अब इसको भी आना है और F6 करना है, की फ्रेम लगाना है हमें, की फ्रेम लगाने के लिए F6 करना है। अब इसको ऊपर कर देना है, ये तो हो गया काम हमारे। अब हमें भी प्रेस कर देना है, जब हम भी प्रेस कर देंगे अब ये दोनों को ऐसे माउस का लेफ्ट बटन दबा के नीचे ले आना है, भाई एक एक करके भी कर सकते हो, F5 प्रेस कर देना है। अब इसके अंदर हमें क्लासिक ट्विन लगाना है, क्लासिक ट्विन लगाने के लिए माउस को क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, क्लासिक क्रिएट क्लासिक ट्विन पे क्लिक कीजिए, इस पर भी क्लिक कीजिए, क्रिएट क्लासिक ट्विन पे क्लिक कीजिए, माउस का लेफ्ट राइट बटन दबा के अब आपको एक बार लेफ्ट बटन दबाना है, ये हो गया। अब आप देखिए अब आपको ठीक से प्रॉपर हो रहा है, अब आपको यहाँ आना है और एक बार क्लिक कर देना है मास्किंग पे। जब आप मास्किंग पे क्लिक कर दोगे तब देखिए आपके जो पलके थे ये प्रॉपर वर्क हो रहा है और काम भी हो रहा है। ये तो ऐसे हो गया जो अभी इसका रेस्ट नहीं है क्योंकि उठक बैठक कर रहा है, तो इसको तो भी रेस्ट भी चाहिए आँखों को, तो इसके लिए हमें 60 तक चाहिए आँखों को उठा के निकल पलके को खुला रखने के लिए। अब F5 प्रेस करते हैं, कुछ भी क्लिक नहीं करना है, एक ही साथ लेना है तीनों को, F5 प्रेस करना है। अब हमारे काम हो गए, अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ से उठा लिया, अब ये रह गया क्योंकि हमें टाइम फ्रेम को बढ़ाना था, यहाँ तक तो ये एनिमेशन हुआ, यहाँ तक ये टाइम फ्रेम बढ़ा। अब देखिए अब हम फेस पे आते हैं, फेस पे आने के बाद हमने
क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम है, अंदर जो भी होंगे सिंबल के अंदर होंगे एनिमेशन। अभी इसको भी हम F5 कर देंगे यहाँ से, और ये भी 60 तक ले लेंगे। इसके बाद सीन्स पे आएंगे हम, यहाँ तक भी 60 तक इसको भी ले लेंगे, पूरा क्लिक कर देंगे। अब F5 प्रेस कर देते हैं, माउस का लेफ्ट बटन दबा के नीचे आइएगा तो आपका पूरा क्लिक हो जाएंगे। अब हमें इंटर दबाना है, कंट्रोल इंटर। अब हम देखते हैं हमारा वर्क हुआ या नहीं। अब देखिए हमारे प्रॉपर वर्क हो गया। अब देख रहे हो जो पलके झपक भी रहा है, और थोड़ी मतलब 30 सेकंड कह रहा हूँ, एक सेकंड तक ये आँखें को खुला रखा है, और एक सेकंड के अंदर आँखें को बंद भी कर रहा है और खोल भी रहा है। और आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ प्लीज़, बहुत सारे मैंने 2-4 कमेंट देखे जो भाई हमें आइज ब्लिंक के बारे में मालूम नहीं है, हमें वाइट पार्ट कैसे क्लिक करना है ये भी हमें मालूम नहीं है, वाइट पार्ट हमारे क्लिक नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम के साथ आप जुड़िए, और इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और आपको वीडियो कैसे लगे प्लीज़ आप कमेंट में जनाइए बताइएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम पे आप हमारे, हमने ऑलरेडी लिंक दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पे हमारे लिंक होंगे, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को देख के आप हमारे इंस्टाग्राम के साथ जुड़िए। जो भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे बताइए, हम उम्मीद करते हैं आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, चाहे कैसे भी हो। ज़रूरत पड़े तो हम आपका एनीडेस्क को ओपन करवा के भी हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को सेव कैसे करें, इस एनिमेट को, इस क्लास को कैसे सेव करें, इसके लिए आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया। अब इसको एक बार फाइल पे क्लिक कीजिए, यह सेव एस है, और सेव एस कंट्रोल सेव एस का मतलब ये हो गया, ये सेव पे का मतलब ये नया है तो आप सेव कीजिए। अगर आपने क्लास नंबर 10 को देख के ओपन किया तो आप सेव एस पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हमने क्लास 10 को देख के ओपन किया था, तो हम सेव एस करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्लास 11। अगर आपका नया आपने ओपन किया, न्यू ये किए, तो आप क्लास 10 आप सेव एस कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।